देश दुनिया में लोग कोरोना महामारी से खौफजदा हैं। रोजाना इस बीमारी से ग्रसित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इस बीमारी से तभी बचा जा सकता है जब हम सामाजिक दूरी बनाए रखें और स्वच्छता का भी विशेष ख्याल रखें। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राहुल गुप्ता ने आम लोगों को इस बीमारी से निपटने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है। आइए जानते हैं कोरोना से बचाव को लेकर क्या कहते हैं डॉक्टर गुप्ता। कोरोना महामारी है, जैसे आप सभी को मालूम है, चीन के एक शहर वुहान से जो है वो पनपी थी और पूरे विश्व में जो है इसका फैल गई ये जो बीमारी थी कोरोना वायरस की वजह से। तो 22 मार्च 2020 को जब देश में जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, तो सरकार ने भिन्न भिन्न विभागों से जो था एक मैसेज आप तक लोगों तक पहुँचाया कि इस बीमारी से लड़ने के लिए अभी फ़िलहाल हम हमारे पास कोई दवाई नहीं है या वैक्सीन नहीं है, पर हाँ एक उपाय आप लोगों को ज़रूर जो सुरक्षा चक्र के रूप में आप लोगों को अपनाने को बोला था वो था शारीरिक दूरी 2 गज की बनाए रखना दूसरों से। दूसरा, फेस कवर, जो मास्क या फेस कवर का आप जो है वो इस्तेमाल करें। तीसरा, खुद की सफाई का और अपने आस पास की सफाई का। खुद की सफाई में मतलब जो अपने हाथ हैं साबुन पानी से 20 सेकंड के लिए बार बार धोएं, तो और अपने आसपास पड़ोस जो है वो साफ रखें। बस इतनी सी 3 चीज़ें थी और मैं इस बात को लेके खुशी महसूस करता हूँ कि हिमाचल वासियों ने भारत सरकार की तरफ से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की और मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ने जो अपील की उसका दिल से उन्होंने पालन किया और उसी का ही नतीजा है कि जो हिमाचल प्रदेश है एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पे इन केसों की संख्या जो है वो बहुत कम पाई गई। तो शुरुआत जो था जब तक कि सब कुछ लॉकडाउन था 40 केसेस ही थे, अब जो बाहर के जो हमारे नौजवान साथी थे जो बाहर काम करते थे, बच्चे जो बाहर पढ़ते थे वो भी वापिस आए, तो इतने कर केसेस ही उनके थ्रू भी आए। पर जो सरकार का नियंत्रण था, सरकार आप लोगों के लिए सजग है, आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए सजग है, तो अभी भी हमारे पास तकरीबन टोटल 80 केसेस ही हुए हैं। तो हिमाचल में स्थिति बहुत बेहतर है। इस बेहतर स्थिति का जो श्रेय है वो सिर्फ लोगों को ही जाता है जिन्होंने सरकार की बात को समझा और उसको अपनाया और उसको दिल से अपनाया और हर गाँव स्तर पर इसको अपनाया, चाहे वो जितना भी इंटीरियर था। तो मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, अब जो हमारा जीवन है, लाइफ है, धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, ढील जो है सरकार की तरफ से दी जा रही है, तो लोग जो है जैसे उन्होंने पहले इसकी अनुपालना की है सरकार के आदेशों की, वैसा अभी भी करें। अपना जो है 2 गज की शारीरिक दूरी दूसरों से बनाए रखें। दूसरा, जो हाथ हैं हाथों की सफाई रखें, हर 20 सेकेंड के लिए कम से कम साबुन पानी से हाथ धोएँ। तीसरा, जो आपको बोला गया है फेस कवर का इस्तेमाल करना, बाहर जब आप निकलते हो या मास्क का इस्तेमाल करना उसका आप प्रयोग करें, तो यह बीमारी जो है ऐसे ही नियंत्रण में रहेगी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।